खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। गिरिडीह जिले में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने जिले के सभी नवनियुक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी डीएसपी और एसडीपीओ को कई अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करने को लेकर सख्त हिदायत दिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कड़े तेवर अपनाते हुए सभी नवनियुक्त एसडीपीओ और डीएसपी को कहा कि अगर गिरिडीह जिले में रहना है तो अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो विभागीय प्रक्रिया होती है और इस क्रम में पदाधिकारियों का ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक बात होती है। और इलेक्शंस को लेकर के कुछ पदाधिकारियों का तबादला गिरिडीह जिले से भी हुआ है और सभी नए पदाधिकारी, चाहे वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, योगदान दे चुके हैं इस जिले में। और आज की तिथि को मेरे द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक का एक आयोजन भी किया गया है और उसी बैठक में इनको जो गिरिडीह में जिले में जो चुनौतियां हैं उन्हीं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और गिरिडीह जिला बल और जिला पुलिस जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और पिछले कई समय से किसी भी तरह के आर्थिक अपराध को पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित किया गया है। और इसी प्रकार की जो भी चुनौतियां हैं, हम बिल्कुल, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं और निश्चित रूप से इन चुनौतियों का पूर्ण ढंग से सामना करेंगे। और गिरिडीह पुलिस जिस भी तरह से अपराधियों पर नियंत्रण रखी हुई है, साइबर अपराधियों पर नकेल कसी हुई है, आर्थिक अपराध को रोकी हुई है, यही कार्यशैली आगे भी ये भी आजमाएंगे और इसको पूरी तरह से इसको फॉलो करेंगे। साथ ही जो नए सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हुआ है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरस्वती पूजा होना है और उस पूजा के विसर्जन तक ये पदाधिकारी हमारे जिले में रहेंगे और जो नए पदाधिकारी आएंगे उनको भी हम लोग ब्रीफिंग के माध्यम से इस जिले में जो भी कार्यशैली रही है वही कार्यशैली पर उनको हम लोग चलने हेतु प्रेरित करेंगे और उनको चलना पड़ेगा। और यहाँ गिरिडीह पुलिस आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और विधि व्यवस्था का संधारण करने में तथा सांप्रदायिक गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। और जो भी नए पदाधिकारी आएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे पदाधिकारी भी गिरिडीह जिला बल के साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करेंगे। कोई एक खास मैसेज सर जो नवनियुक्त पदाधिकारियों को आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, गिरिडीह जिला जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और सभी पदाधिकारियों के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अपराध और विधि व्यवस्था के नियंत्रण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस जिले में काम करना है तो आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और दिन रात मेहनत करके आम लोगों के लिए काम करना होगा, अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा तथा विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रखनी होगी। सरस्वती पूजा लेकर छात्र और युवाओं को कोई संदेश देना चाहूंगा? मैं वैसे लोगों को जरूर संदेश देना चाहूंगा जो असामाजिक तत्व हैं, किसी भी तरह के शरारत से दूर रहें, कोई भी अप्रिय घटना अंजाम देने की ना सोचें। और वैसे लोग जो शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, और उनसे हमारा अनुरोध होगा कि बिल्कुल भय रहित माहौल में और बिल्कुल ही अच्छे उल्लासपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न करें। गिरिडीह जिला पुलिस आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेगी।